कोटा के मकबरा थाने के नज़दीक सराफा बाजार की गली में एक घर में घुसकर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने दो नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है। पकड़े गए आरोपियों में से संदीप सोलंकी कैथुनीपोल थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने संदीप सोलंकी के अलावा विकास आर्य, निखिल आर्य और गगन को गिरफ्तार किया है। गणेश चतुर्थी के दिन बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद बदमाशों की रंजिश चल रही थी। दो दिन पहले बदमाशों ने मकबरा चौथ माता मंदिर के नज़दीक घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें घर के लोग बाल बाल बचे थे और एक डॉगी की मौत हो गई थी। कोटा की केतुनीपोल थाना पुलिस ने देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी रोहित और आकाश इंदिरा गांधी नगर DCM क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के बाद दोनों आरोपियों को केतुनीपोल थाने के नज़दीक साबरमती कॉलोनी से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया। कोटा शहर के लाड़पुरा विक्रम चौक में आज एक मकान का छज्जा भर भरा कर गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि छज्जा गिरने के दौरान छज्जे के नीचे कोई मौजूद नहीं था। मकान पुराना होने के कारण छज्जा क्षतिग्रस्त था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। छज्जा गिरने से मकान के नीचे खड़ी कुछ बाइक मलबे में दब गई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। कोटा ग्रामीण की देवली मांझी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार से 6 लाख रुपए का डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने कार में मौजूद जोधपुर डांगियावास निवासी तस्कर विक्रम बिश्नोई और रमेश बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को कार में 2 प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए मिले, जिसमें करीब 44 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा मिला। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोटा में आज इस साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 42,000 प्रकरणों को निस्तारण के लिए शामिल किया गया था। प्रकरणों के निस्तारण के लिए कोटा जिले में 15 बेंचें गठित की गई थी, जिसमें आपसी समझौते राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण किए गए। कोटा के ADR भवन में भी करीब 11 बेंचें लगाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में प्रकरणों का निस्तारण हुआ। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।